शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इजीली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप कुछ नेचुरल टिप्स को फॉलो करके अपने यूरिया लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि किडनी का काम बॉडी से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बॉडी से यूरिन के जरिए बाहर निकालने का होता है। साथ ही साथ किडनी बॉडी में मिनरल्स को भी बैलेंस करके रखती है। किडनी फंक्शंस को चेक करने के लिए ब्लड में यूरिया बन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन और पोटाशियम को मॉनिटर किया जाता है। ब्लड में नॉर्मल रेंज उनकी यूरिया 7 से 25 mg/dL होनी चाहिए। अगर आपका यूरिया बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही। आज हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल तरीके बताएंगे जिससे आप अपने ब्लड में यूरिया के लेवल को कम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोटीन का सेवन कम करें। एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा प्रोटीन के सेवन से आपका यूरिया लेवल टेम्परेरी बेस पर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यूरिया का निर्माण प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। इसलिए अगर आपको अपने यूरिया लेवल को कम करना है तो आप ज़्यादा प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट का सेवन ना करें। अगर आप ज़्यादा रेड मीट खाते हैं तो आपको इसका सेवन छोड़कर वेजिटेबल का सेवन इंक्रीज करना चाहिए। आप नॉनवेज बर्गर्स की जगह पर वेजिटेबल पैटीज, हाथी वेजिटेबल स्टू और लेंटन सूप का सेवन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हाई वेट एक्सरसाइज से बचें। एक्सरसाइज वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हाई वेट एक्सरसाइज से आपका यूरिया लेवल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मसल मेटाबॉलिज्म ही यूरिया को बनाती है और मसल पर ज़्यादा प्रेशर इसके लेवल को इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कितनी और कैसी एक्सरसाइज की जाए जिससे आपका यूरिया लेवल ना बढ़े। थर्ड पॉइंट है, बॉडी में लिक्विड की कमी ना आने दें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में लिक्विड की कमी होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम रहेगा। इसलिए ब्लड वॉल्यूम को कम ना होने दें और लिक्विड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लिक्विड का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपकी बॉडी में यूरिन ज़्यादा बनेगा, जिससे आपका यूरिया यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा और यूरिया लेवल ब्लड में नॉर्मल बना रहेगा। फोर्थ पॉइंट है, पोटाशियम का सेवन को लिमिटेड करें, क्योंकि बॉडी में पोटाशियम की मात्रा लिमिटेड होगी तो किडनी पर प्रेशर कम पड़ेगा, जिससे आपकी किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन का काम कर सकेगी। लेकिन अगर पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो इससे किडनी पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और किडनी यूरिया को यूरिन के जरिए ब्लड से बाहर नहीं निकाल पाएगी। लास्ट पॉइंट है कि साल्विया का सेवन ज़रूर करें। चाइना में लोग किडनी फेलियर में साल्विया का यूज़ करते हैं और कुछ रिसर्च में ये भी माना गया है कि इससे यूरिया लेवल कम हो सकता है, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इसका सेवन डॉक्टर की निगरानी में ही करें। अब हम आपको कुछ और जड़ी बूटियों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन आपको डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, जैसे कि नेटल लीफ, कैमोमाइल, सिनामिन, जिनसांग एंड डैंडेलियन रूट। इसी तरह कुछ और सावधानियां बरतें, जैसे कि शराब का सेवन ना करें, करेले का जूस का सेवन करें और डाइट में विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको कुछ ऐसे नेचुरल तरीकों के बारे में बताया जिससे आप अपना यूरिया लेवल कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर हम अगली बार से वीडियो बना सकें। या फिर अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी सेंटर में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन है, जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कर्मा आयुर्वेदा के साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।